अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, जान जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है, जो कि टाइटल में आपने देखा कि एक हिंदू लड़की और उसके बाद दो हिंदू लड़की जो कि शाहीन बाग में गए थे, उनकी बहुत बुरी तरह उनको मारा गया। लेकिन वो वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि उनको मारा कितना गया और किस तरह मारा गया, किस अंदाज से मारा गया, नफरत से मारा गया, प्यार से मारा गया। वो आप जो लोगों को मैं ज़रूर चीज़ें दिखाऊँगा, लेकिन वीडियो के एंड में। तो वीडियो से थोड़ा मैं ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मकसद है, ये एक मैसेज है, गुड, बहुत अच्छा मैसेज है, समझने वाले को ही समझ आएगा, अच्छे इंसान को, अच्छे लोगों को, अच्छे जो बोलते हैं ना, जिनकी सोच अच्छी हो, पढ़े लिखे लोग हो, उनको ये चीज़ ज़रूर बहुत अच्छी लगेगी। तो इसमें वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको इन चीज़ों में थोड़ी सी गाइड ज़रूर कर देता हूँ, फिर वीडियो दिखिएगा। जिसको मेरी बात से गुस्सा आया तो वो ज़रूर मुझे सॉरी करता हूँ मैं सबसे। तो अब ये जो लड़की है, ये है, ये हिंदू लड़की है और ये शाहीन बाग में, जो कि आजकल पता है आपको जो सिस्टम चल रहा है इलेक्शन वगैरह का, इसमें ये लड़की बुरखा पहन के वहाँ पे गई थी औरतों के बीच, महिलाओं के बीच, जो कि वहाँ से इसने आधार कार्ड की कुछ वीडियो मतलब चीज़ें मांगने की कोशिश की। उसके बाद इसका जो नाम जब पूछा गया तो इसने जल्दी में अपना ही नाम बता दिया, जो कि इसका हिंदू में नाम था। तो वहाँ से आके ये फंस गई, क्योंकि मुस्लिम गेटअप में, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अब वो जो भगवा लोग हैं वो अपनी इस पॉलिसी को इस्तेमाल करेंगे, जिसमें उन्होंने खुद को लड़कियों को बुरखा पहना के मुस्लिम बना के भेजेंगे, लड़कों को भी इसी तरह ही मुस्लिम बना के वो आप लोगों के आगे करेंगे कि बस जितना भी हो सके वो आप चीज़ों से ये चीज़ें आपसे हासिल कर सके। तो ऐसे ही ये जो दो लड़के हैं, ये भी गए शाहीन बाग में, इनका भी आपने थंबनेल में आपने देखा होगा आधार कार्ड और उनके बाद इनका नाम शाम जो भी था एवरीथिंग, मैंने आपको व्हाट्सएप की तस्वीर भी अपलोड की, यहाँ भी देख सकते हैं जो जो चीज़ें मुझे नजर आई वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में जो कि इन्होंने जो मारा, जो भी किया, वो अभी जो ये भगवा लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो बीजेपी के आरएसएस के लोग हैं, जो नरेंद्र गांधी को नहीं मानने वाले लोग हैं, उन सब के लिए ये वीडियो है। अभी भी ये मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई ना तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी लानत भेजता हूँ, क्योंकि गोबर की वजह से आपका जो दिमाग है ना वो हो गया एक्सपायर, इसलिए आपको अच्छी चीज़ें समझ नहीं आती। तो आप वीडियो देखें, वीडियो दिखाने से पहले मैं आपको साथ साथ ये बता दूं इनके साथ कैसा बर्ताव किया गया वहाँ शाहीन बाग में, वो चीज़ आप देखिए। और अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद, उनके मार देखने के बाद आपको ज़रा गुस्सा आ गया तो उसके लिए सॉरी। और जाते जाते मैं जहाँ पे ये जिनकी हिरासत में ये थे, जिन लोगों के पास थे, उन सबको मैं शाहीन बाग वालों को मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यही एक सच्चा मुसलमान होता है, एक अच्छा मुसलमान होता है जो अच्छी चीज़ और अच्छा मैसेज ही देने की कोशिश करता है। तो वैसा ही आप सबने किया। वीडियो देखें और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इनकी मार का कैसा आपको ये वीडियो लगा। बाय बाय, अल्लाह ये आप इतने गंदे वर्ड यूज कर रहे हो यहाँ के बारे में, आपको कुछ पता है? आपको पता है ये महिलाओं का प्रोटेस्ट है, आप महिलाओं को गाली दे रहे हो, देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हो आप? आईडिया नहीं है अपने घर में, माँ बहन को गाली बकते हैं तो हम सबका वेलकम कर रहे नहीं कर रहे? आप लोगों का अभी तक किसी ने गाली बकी, किसी ने आपसे तू करके बात करी नहीं करी? क्यों? हमारा काम यहाँ पर सबका दिल से वेलकम करना है भाई। हम यहाँ भैया, आपका नाम क्या? बिट्टू कुमार। भैया फोन वोन का आएंगे फोन तो जरा और क्या था आधार कार्ड बार बार आधार कार्ड लो। जब मैं पकड़ी होगी आप कहाँ से आई हो, तो इन्होंने बताया कि लखनऊ से। मैं बोली लखनऊ में भी तो ये प्रोटेस्ट हो रही है, वहाँ का वीडियो आप दिखा दो। तो मेरे पास वीडियो नहीं। सर आप एक लीगल नोटिस तैयार करवाइए इन्हें। जब मैं बोली आप जब वीडियो नहीं,